साथ राजेश कुमार। नालंदा पहुंचा कमल का कुनबा। जी हां, सासाराम के बाद आज बीजेपी नेताओं का कुनबा नालंदा पहुंचा, जहां हिंसा को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, तो बिहार शरीफ का नाम बदलने का भी ऐलान कर दिया। पहले सासाराम में महाधरना, अब नालंदा पहुंचा कमल का कुनबा। सीढ़ियों पर बैठकर छिड़ा संग्राम। हिंसा पर सियासत का क्या होगा अंजाम? सीढ़ियों पर बीजेपी का धरना। राम जानकी मंदिर में आरती और समाधि पर बाबा मणिराम की पूजा। ये तस्वीरें नालंदा की हैं, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा के बाद बीजेपी का कुनबा पहुंचा, जहां सीढ़ियों पर बैठकर बीजेपी ने सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर जमकर जुबानी वार किया, तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को सत्ता में लाने का संकल्प भी लिया। बिहार शरीफ बिहार श्री था और इसको बिहार शरीफ कर दिया, इसकी भी चिंता करनी है। भाजपा की सरकार बनाओ साथियों, इस प्रदेश में किसी मुगल राजा का पूजा नहीं होगा और ना अंग्रेजों का पूजा हम करेंगे। हम जब भी पूजा करेंगे, भारत के वीर सपूतों का पूजा करेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में जय चंदों की जमात संत सनातन के संतानों को रोक नहीं पाएगी। ये जय चंदों की जमात सत्य सनातन के संतानों को भी रोक नहीं पाएगी और इनके संतों को, इनमें भक्ति रखने वाले को शक्ति ईश्वर की है। ये बजरंगबली हनुमान जिसको बांधना चाहते हैं, वो लंका में आग लगाएगी और ये लंका जलेगी, राम राज्य स्थापित होगा और फिर से एक नया बिहार का संदेश जाएगा। रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर सियासत जारी है और बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार हमले कर रही है। देखना है कि वार और प्रहार का दौर कहां तक चलता है। ऋषिकेश, जी मीडिया, नालंदा। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री